और गौ भक्तों को गुंडे बोल देते प्रधानमंत्री, तो इन सब चीजों का विरोधाभास भी तो है हमारा। कि आज जो जिन मुद्दों को लेके आपकी मीटिंग हुई है उसमें यही प्रमुखता रही है कि विलय हो रहा है भाजपा में? नहीं, हमारी ये बात हुई है कि कोई विलय नहीं हो रहा है अभी भाजपा में। कार्यकर्ताओं के मन में जो संशय था, कार्यकर्ताओं से वन टू वन गेट टुगेदर था, सारी जितने भी विधानसभाओं में जनता सेना के कार्यकर्ता है आज राजमहल बेंडर में इकट्ठे हुए थे। महाराज साहब ने एक ही बात दो टप्पे में कह दी है कि हमने न किसी से संपर्क किया है अभी तक, न हमसे किसी ने संपर्क किया है। ये जो जितनी भी विलय की बातें चल रही हैं ये मीडिया की उपज और मीडिया में ही चल रही है। जनता सेना अपने कार्यकर्ताओं के दम पर 4 तारीख को नामांकन भरेंगे, 30 तारीख को जितनी भी विधानसभाओं में हमको चुनाव लड़ाने हैं उन कैंडिडेट के नाम और टिकट घोषित करेगी। सबसे बड़ी जनता सेना अपने दम पे चुनाव लड़ रही है ये विधानसभा का। अब बात ये हो रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के ही एक अंग हैं और कहीं ना कहीं आपके उपस्थिति से इसको एक बहुत बड़ा घाटा होगा। किसको? कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा ना, क्योंकि आपके जो कार्यकर्ता है वो हम तो कांग्रेस से सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार को बदलने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें 4 पार्टियां हो, किसको फायदा हो किसको नुकसान हो हम थोड़ी देखेंगे, और बीजेपी को नुकसान हो खाली हमको ही देखना है, बीजेपी नहीं देखे। मेरा सवाल भी तो यही है ना। हाँ, तो मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, आप बीजेपी को नुकसान हो ना हो वो हमारा आकलन नहीं है। बीजेपी अपने नुकसान का आकलन करे, हम चुनाव में जनता सेना के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप कह रहे हो कि हमें कांग्रेस की वर्तमान मौजूदा सरकार को हटाना है, तो आप जी को लाने का काम कर रहे हो तो सीधे तौर पे? नहीं, तो हम तो राजनीतिक दल है साहब, हमारी अलग आइडेंटिटी है, हमको बीजेपी से क्या। आप अपनी बात मेरे पे जो थोपना चाह रहे हो कि हम लड़े, हम लड़ रहे हैं जो चोरी भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ, जिसमें भाजपा के लोग भी कोई दूध के धुले हैं क्या? हमारी तो साइमल्टेनियसली उनसे भी लड़ाई। कुल मिला के ऐसी कोई बिंदु भी है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से भी आप समर्थन नहीं रखते? नहीं, विचारधारा क्या होती है, विचारधारा हर पार्टी की अलग है। हाँ, हमारी कुछ बिंदुओं पे उनसे मेल खाती है, बाकी हर पार्टी की इंडिविजुअल विचारधारा है, जनता सेना की इंडिविजुअल विचारधारा है, उसमें राष्ट्रवाद हमारा प्रमुख तत्व है, उनका भी है, तो राष्ट्रवादी योजना को विचारधारा से मेल नहीं होता। आपकी विचारधारा और उनकी विचारधारा में सनातनी तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी तो मुद्दा ही आ गया है सनातनी पे सवाल खड़ा हो गया। सुनिए, जनता सेना प्रखर सनातन के साथ रहती है, भारतीय जनता पार्टी सनातन का मुखौटा ओढ़कर उदयपुर में सबसे ज्यादा मध्य जमीन सकती है, पूरे देश में सकती है, और गौ भक्तों को गुंडे बोल देते हैं प्रधानमंत्री, तो इन सब चीजों का विरोधाभास भी तो है हमारा। लेकिन अभी वर्तमान मौजूदा विधायक जो अभी आए हैं प्रत्याशी के तौर पे, उन पे आरोप लग रहे हैं वो सनातनी नहीं है। कौन? वर्तमान? हाँ, देखिए, ताराचंद जी नास्तिक हो सकते हैं, अब उनकी विचारधारा उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। ताराचंद जी की व्यक्तिगत है कि वो किस मत का पालन करते हैं या धर्म का पालन करते हैं, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र का काम तो है चुनाव लड़ना, उनको चुनाव लड़ने से थोड़ी रोक सकते हैं कि वो किस मत को मानते हैं, ठीक है। बाजार में सनातन विरोधी है कि नहीं वो तो जनता तय करेगी। आप अगर भिंडर में उदयपुर शहर और चित्तौड़ इधर खड़े करोगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा ना, तो हम आपके कार्य का विस्तार नहीं होगा, हम हमारी पार्टी का विस्तार नहीं करें, किसी पार्टी को नुकसान होगा हम हमारी पार्टी का विस्तार नहीं करें। लेकिन अभी आपके पार्टी के अगर दीपेंद्र कुंवर को अगर टिकट दे दिया जाए तो आपको विलय को तैयार होना? नहीं, हम तो ले ही नहीं रहे ना अभी टिकट की बात का, कौन आप दे रहे हो टिकट? भारतीय जनता पार्टी अपना निर्णय करे, हम हमारा निर्णय कर चुके। कुल मिला के एक आप मेवाड़ की सारी सीटों पे अपने प्रत्याशी खड़े? जी बिल्कुल, हमारे पास 200 सिंबल अलॉट करने को जहाँ जाएगा हम देंगे, हमको लगेगा योग्य उम्मीदवार सीट निकाल सकते हैं हम देंगे। ऐसा कोई प्रत्याशी जो भाजपा से टूट के आएगा उसके सहारा आप बन जाएंगे? नहीं, हम किसी का सहारा नहीं, हमारे पास योग्य कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है। उदयपुर शहर में हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा सांसद मांगीलाल जी जोशी के रूप में है, और जेएन में देखा जाए तो हमारे पास डॉक्टर गजेंद्र सिंह सामर है जो छात्र राजनीति में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं साइंस कॉलेज के, प्लस हमारे पास अगर वैश्य में देखें तो आशु अग्रवाल है, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है उदयपुर में।
और हमारे पास कार्यकर्ताओं की भी कमी नहीं है। कैडर बेस्ड कार्यकर्ता पार्टी हमने उदयपुर में निर्माण की है, तो उसका चुनाव में उपयोग लेंगे हम लोग। पूर्व में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें आपने सुराणा साहब को खड़ा किया था और तो ये गलती हुई थी कि 4000 वोटों में सिमट गए थे। तब हमारे पास पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं था, जो कैंडिडेट आया लड़ा थे कैंडिडेट ने 3 दिन पहले बैकआउट कर दिया। वो गलती इस बार जनता सेना दोबारा दोहराएगी नहीं। इस बार अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, पार्टी का केडर बेस्ड कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और चुनाव के रिजल्ट इस बार अप्रत्याशित होने जा रहे हैं। कोई कारण नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के भीतर घात में हमारा कैंडिडेट जीत जाए। ठीक है सर, ये आपकी रिकॉर्डिंग है, मैं चलाऊंगा जी। बिल्कुल धन्यवाद, आभार आभार। इसकी स्वीकृति है? बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।